देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट हो चुकी है। अब एक्सरसाइज 2.2 में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, बताएंगे कि किस तरीके से शून्य निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 यानी एक्सरसाइज 2.2 शुरू हो चुकी है, जिसमें हम आपके लिए पहला प्रश्न बताने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है, पहला प्रश्न क्या है मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम किसी भी बहुपद के लिए शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर पहला समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये दिया गया है। अब हमें इसके जो है बहुपद के शून्य निकालने हैं। तो किस तरीके से शून्य को निकालेंगे आप देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर शून्य का मतलब यहाँ पर हो गया, शून्य का मतलब यहाँ पर हो गया आपके लिए x का मान, और x के मान को मूल भी कहते हैं। तो यहाँ पर या तो आप मूल समझिए, या तो x का मान समझिए, या शून्य समझिए, बात तीनों की एक ही है। तो यहाँ पर हम सिंपली इसमें x का मान निकालेंगे, वही आपका शून्य होगा। तो देखो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, और बराबर में हम इसको मान के चल रहे हैं 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 के ऐसे गुणनखंड करिए कि 2 आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 लाने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा? तो सिंपली यहाँ पर आपके लिए घटाने पर 2 आए, ठीक है ना। तो यहाँ से एक तो ये कर सकते हैं, 8 के यहाँ पर गुणनखंड कर लो, 2 से करेंगे 2 से 4, 2 से 2 और 2 एकम 2, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बना हमारे पास। तो 4 को ले लेंगे एक साथ, 2 को एक साथ ले लेंगे, यानी 4 दूनी 8। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, है ना, 4 दूनी 8 भी हो जाएंगे, 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, और एक्स माइनस 8 बराबर में 0। तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस की गुणा 4 से एक्स 4x, और माइनस की गुणा माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 आ गया, प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 चक्के 8 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 4 दोनों जगह से कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया x माइनस 4, बचा है यहाँ पर x प्लस 2 बराबर में 0, यानी x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 इम्प्लाइज x बराबर 4। और अगर हम x प्लस 2 को बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2, इस तरीके से ही आ जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास 2 शून्य आ गए, शून्य कितने आ गए 2, एक 4 और एक माइनस का 2, 2 शून्य हो गए इसके, ठीक है। अब समीकरण दूसरा लेते हैं, दूसरा समीकरण देखेंगे ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, और बराबर में हम इसको 0 मान के चलेंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए 4 यहाँ पर ये है, तो इसकी पहले सबसे पहले गुणा करेंगे, 4 गुणे 1 बराबर 4। अब 4 के एक ऐसे गुणनखंड कीजिए यहाँ पर, देखो 4s स्क्वायर है, यहाँ 1 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका यहाँ पर फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए सिंपली। कैसे? 4s को लिख लीजिए 2s का होल स्क्वायर, और प्लस 1 को लिख लीजिए 1 का स्क्वायर, और अंदर क्या आना चाहिए? माइनस का 2ab 2 into 2s into 1, देखो 4s आ जाएगा। यानी यहाँ पर फार्मूला आपके लिए बन जाएगा, इसे a मानेंगे, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इस हिसाब से हो जाएगा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पर 2s माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर रूट का 0 हो जाएगा, 2s बराबर 1 हो जाएगा, तो s बराबर 1/2 इसका एक शून्य आ जाएगा, यानी s बराबर 1/2 इसका शून्य हो जाएगा, क्लियर है। इसी तरीके से आप देखिए, सेकंड प्रश्न हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर आपके लिए थर्ड प्रश्न कराएंगे। देखिए थर्ड प्रश्न यहाँ पर क्या है, ये है 6x स्क्वायर माइनस का 7x इधर लिख ले रहे हैं, और माइनस का 3 बराबर में 0। मैंने इसको सही तरीके से समीकरण को लिख लिया है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 की गुणा 3 से करेंगे, तो 6 गुणा 3 18 हो जाएगा, और 18 का ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर आपके लिए 7 आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x
माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हो गया, 3x कॉमन ले सकते हैं, तो 3 दूनी 6 2x माइनस 3 3 9 ये आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा बराबर में 0, और 2x माइनस 3 यहाँ पर ब्रैकेट में कॉमन आ गए हैं तो 2x माइनस 3 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा आपके लिए 3/2, 1 शून्य का जाएगा। इसी तरीके से 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी 3x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर माइनस का 1/3, यहाँ एक दूसरा शून्य का जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर हमने समीकरण को आपके लिए सॉल्व करके x का मान निकाल लिया, और वही x का मान आपके लिए शून्य को होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतने प्रश्न हो गए आपके लिए। अब बचे आपके लिए 4th, 5th और 6th, तो वो अभी आपके लिए तुरंत करा रहे हैं यहाँ पर। अब आपके लिए कराएंगे जो पार्ट है वो 4th पार्ट है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके लिए पार्ट नंबर 4 है, तो पार्ट नंबर 4 को कराते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 4u² + 8u, और इसको मान के चलूंगा मैं 0 के बराबर। u कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर u कॉमन लेने के साथ साथ यहाँ पर कितना 4u कॉमन ले लेंगे, तो आपके लिए बचेगा 2 और u, तो 1 बचेगा, और प्लस 4 तो कट गया, 4 2 8, 2 और u खत्म हो जाएगा, 2u + 2 = 0। अब दो फैक्टरों का गुणनफल जब भी 0 होता है, या तो पहला फैक्टर 0 हो या दूसरा फैक्टर, तो यहाँ पर 2u + 2 = 0 कर देंगे, तो 2u - 2 आ जाएगा, तो u - 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी u - 1। तो जो u - 1 है वो एक शून्य को होगा, क्या होगा, शून्य को होगा। इस तरीके से u - 1 एक शून्य को हो जाएगा इस पॉलिनोमियल के लिए। अगला है हमारे पास t² 5वां, t² - 15 = 0, ये है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा t² और माइनस 15 को लिख सकते हैं √15² ये लिख सकते हैं, √15² लिख सकते हैं, और बराबर में 0, तो a² - b² क्या होता है, तो a + b a - b, यानी t - √15 और t + √15 बराबर में 0। तो इसके दो मूल हो जाएंगे, एक तो t = √15 और एक हो जाएगा t - √15, है ना। तो दो मूल हो जाएंगे यहाँ पर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसके हैं दो मूल हो गए, यानी दो शून्य को हो गए, ठीक है ना। तो दो शून्य किसके हो जाएंगे। अगला हमारा लास्ट बचा है इसका पार्ट, और वो भी छठा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए क्या है, 3x² माइनस का एक्स और माइनस का 4 = 0, ये है। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12, और 12 के ऐसे फैक्टर करिए कि घटाने पर 1 आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 × 3 = 12, यानी 4 - 3, तो 3x² माइनस का 4 - 3 और इंटू x - 4 = 0, तो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 = 0 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पर देखिए, 3x² के साथ ये वाली टर्म ले लेंगे, 3x² प्लस का 3x और माइनस का 4x माइनस का 4 = 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लिया, x प्लस 1, यहाँ आपने माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो बचेगा x + 1 = 0। तो इस तरीके से x + 1 कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा आपके लिए 3x और माइनस का 4 = 0 हो गया। तो x + 1 को अगर 0 के बराबर रखेंगे तो x - 1 आ जाएगा, और अगर मैं 3x - 4 को बराबर 0 रखूँगा तो 3x = आ जाएगा प्लस का 4, तो x = हो जाएगा 4/3, यानी इसके दो शून्य का आ गए। एक तो आपके लिए शून्य का आ गया x - 1, और दूसरा आ गया x = 4/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पहला प्रश्न जो था वो खत्म हो गया। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था यहाँ पर आपके लिए, जो कि हमने आपको पूरे पार्ट इसके आपके लिए समझा दिए। अब प्रश्न नंबर 2 है, तो प्रश्न नंबर 2 को भी हम आपके लिए करा दे रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दूसरा नंबर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके लिए दूसरा प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न है मैं आपको बता देता हूँ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल दिए गए हैं। अगर मान लो मैं दो शून्यक मानूं, क्योंकि द्विघात समीकरण के दो ही शून्यक होंगे, तो एक मैं मान रहा हूँ अल्फा और एक मान रहा हूँ मैं बीटा।
एक अल्फा मान रहा हो और एक बीटा मान रहा हो, इनका योगफल और गुणनफल हमेशा दिया रहेगा, आपको समीकरण निकालनी पड़ेगी। तो द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे? तो द्विघात समीकरण का जो सूत्र बनेगा वो ये होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। क्लियर है? तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न देखेंगे, पहला प्रश्न जो है वो एक बटा चार है मूलों का योगफल, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है एक बटा चार, और अल्फा इंटू बीटा दिया गया माइनस का वन, ये मूलों का गुणनफल दिया गया है, समीकरण निकालनी है। तो लगा देते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान एक बटा चार है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस एक है बराबर में जीरो। तो यहाँ पर पूरी समीकरण को चार से गुणा करा देते हैं, तो चार एक्स स्क्वायर माइनस का वन एक्स प्लस का यहाँ पर हो जाएगा माइनस का चार बराबर में जीरो। तो यार लिख सकते हैं चार एक्स स्क्वायर माइनस का वन एक्स माइनस का चार बराबर जीरो। तो इस तरीके से यहाँ पर यह समीकरण आ गई है, एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात बहुपद आपके लिए यहाँ पर आ गया है। अब बात करें यहाँ पर दूसरे सवाल की, तो दूसरा पार्ट जो है आपके लिए वो बताते हैं। दूसरा पार्ट देखिए, यहाँ पर मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा दे रखा है रूट टू, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है एक बटा तीन, ये दे रखा है। तो यहाँ पर आपके लिए समीकरण निकालना है, तो समीकरण निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है रूट टू इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है एक बटा तीन बराबर में जीरो। तो यहाँ पर हम तीन से समीकरण को गुणा करा देते हैं क्योंकि बटे में तीन है, तो तीन एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर तीन रूट टू एक्स हो जाएगा प्लस का वन बराबर में जीरो। तो ये समीकरण आपके लिए आ जाएगी द्विघात बहुपद की। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका भी आपके लिए द्विघात बहुपद निकाल लिया है। अगला सवाल है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? देखिए जीरो है, रूट फाइव है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर रूट फाइव दिया गया है। तो समीकरण निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी जीरो इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा रूट फाइव इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव बराबर में जीरो। तो ये एक द्विघात समीकरण हो जाएगी जो कि आपके लिए यहाँ पर एक समीकरण आ चुकी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर चौथे पार्ट की। तो चौथा पार्ट आप देख लेते हैं यहाँ पर, चौथा पार्ट क्या है? वन और वन है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान भी वन है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी वन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वन इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान वन और बराबर में यहाँ पर जीरो हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस का वन एक्स प्लस का वन बराबर जीरो, या नेगेटिव प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो। तो ये एक आपके लिए द्विघात बहुपद निकल के आ गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो आपके लिए पांचवा पार्ट है वो देखिए, एक बटे चार यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपके लिए एक बटा चार और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपके लिए एक बटा चार प्लस का और यहाँ पर एक बटा चार माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस एक बटा चार इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान वन अपान फोर इक्वल टू जीरो। चार से गुणा करा देंगे तो चार एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के गुणा माइनस प्लस एक रह जाएगा इंटू एक्स प्लस एक रह जाएगा बराबर में जीरो, यानी चार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो। तो इस तरीके से यहाँ पर यह समीकरण आपके लिए आ जाएगी। अब छठा पार्ट लास्ट पार्ट है इसका, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी यहां पर खत्म हो जाएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके खत्म हो जाएंगे और यहां पर पार्ट भी आपका खत्म हो जाएगा, फिर बचेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। तो इस पार्ट में फिलहाल आपके लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही पूरे रहने वाले हैं। तो यहां पर छठा पार्ट आपके लिए बचा है, चार कामा एक दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर चार और अल्फा इंटू बीटा बराबर एक। तो यहां पर आप निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा फोर इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वन बराबर में जीरो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का चार एक्स प्लस का वन बराबर में जीरो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप समीकरण आपके लिए निकल आई है। लघु उत्तरीय प्रश्न का जो पहला प्रश्न है उस पर बात करते हैं यहाँ पर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न ये कह रहा है कि ऐसा त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग और दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। यानी इसका मतलब हुआ यहाँ पर शून्यकों का, और यहाँ पर आपके लिए बता दें जब आप तीन घात के बात करेंगे तो तीन घात के लिए आपको जो है यहाँ पर संख्या जो लिखनी होगी अल्फा बीटा करके जो मूल दिए गए होते हैं,
त्रिघात समीकरण के लिए। तो त्रिघात समीकरण के लिए देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। त्रिघात समीकरण के लिए यहाँ पर अगर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जिसका यहाँ पर मान दिया गया, कितना दिया गया आपके लिए दो, ये आपके लिए मान दिया गया दो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इनका गुणनफल जो दिया गया है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये जो मान दिया गया है वो आपके लिए कितना दिया गया है माइनस का सात। और इसी तरीके से यहाँ पर 14 दिया गया है अल्फा और बीटा और गामा, इनका गुणनफल दिया गया है आपके लिए, ये दिया गया है यहाँ पर 14 माइनस का 14, ये दिए गए हैं। तो आपके लिए सिंपली एक एक त्रिघात के समीकरण बनानी है। त्रिघात समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, त्रिघात समीकरण में क्या होता है हम आपको बता दें, यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा तीन घात से शुरू होगा, तीन घात से शुरू होगा। जैसे मैंने माना कि ए एक्स क्यूब, एक ए नंबर है एक्स क्यूब के साथ, फिर आपके लिए क्या होगा यहाँ पर प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, ये होगा बराबर में जीरो, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम अल्फा बीटा की यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा बीटा गामा का, उसका अल्फा बीटा गामा का, है ना, तीनों चीजें यहाँ पर यूज करेंगे त्रिघात समीकरण के लिए। तो त्रिघात समीकरण के लिए अगर तीनों यूज करेंगे तो ए का मान यहाँ तो वन रहेगा हमेशा, तो वन एक्स क्यूब और प्लस बी का मान यानी जे वाला बी दो, तो ये आ जाएगा आपके लिए दो एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से सी एक्स है, सी एक्स मालूम है यानी सात एक्स, तो माइनस का सात गुणे एक्स और प्लस का डी है तो यानी माइनस 14 बराबर में जीरो। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस का दो एक्स स्क्वायर माइनस का सात एक्स माइनस का 14 और बराबर में इस तरीके से जीरो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर माइनस डी लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस डी होता है क्योंकि एक तो नंबर माइनस का होता है, तो इसलिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का 14 बराबर में जीरो। तो ये हमारी त्रिघात समीकरण हो गई, त्रिघात समीकरण। अगर हमें तीन मूल दिए गए हैं यानी तीन शून्य दिए गए हैं, उनका योग, उनके प्रोडक्ट, उनके अलग अलग प्रोडक्ट का जो गुणनफल का योग और फिर अलग से गुणनफल, तो ये तीनों चीजें आप निकाल सकते हो। तीनों चीजों के फार्मूले होते हैं त्रिघात समीकरण के लिए, और द्विघात समीकरण के लिए भी फार्मूले होते हैं जिसमें आप अल्फा प्लस बीटा निकालते हो माइनस का बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा निकालते हो सी बटे ए। इसी तरीके से त्रिघात में भी समीकरण होते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाला जाता है, जो कि यहाँ पर आपको बता दें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर निकालेंगे तो ये होता है माइनस का बी बटे ए, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस का बी बटे ए, ये होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम अल्फा बीटा गामा निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा निकालेंगे तो ये आपके लिए होता है माइनस का डी बटे ए, ये होता है। इसी तरीके से अल्फा बीटा और बीटा गामा, गामा अल्फा ये सूत्र होता है, इसके लिए अगर निकालोगे तो ये होता है सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन सूत्रों को आपको ध्यान रखना है कि अगर त्रिघात के समीकरण की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों मूलों का योगफल, फिर उनके प्रोडक्ट का जो गुणनफल है वो डी अपॉन ए होगा माइनस का डी अपॉन ए, और इसी तरीके से अल्फा बीटा गामा और ये होगा सी अपॉन ए। तो आप सिंपली यहां से शुरू कर सकते हो एक दो और तीन, इसको बी बटे ए, इसको सी बटे ए और इसको डी बटे ए, है ना। तो इस तरीके से आप यहां पर बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है, देखिए ध्यान से। चौथा प्रश्न क्या है कि त्रिघात बहुपद दिया गया है एक वाई क्यूब, इसका मान है वाई क्यूब माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस का वाई प्लस का एक बराबर में जीरो लिख सकते हैं। अगर इसके शून्यक दिए गए यानी इसके फैक्टर दिए गए हैं a माइनस बी और दिए गए हैं a और a प्लस बी, ये दिए गए हैं। अगर ये इसके शून्यक दिए गए हैं यानी इसके आपके लिए शून्यक दिए गए यानी इसके तीन फैक्टर होंगे, कहीं ना कहीं तीन गुणनखंड होंगे। अगर ये तीन गुणनखंड हैं तो आप क्या करेंगे, या तो इनकी वैल्यू यहाँ पर रखिए तो ये मान जीरो होना चाहिए, या सिंपली इनसे आप निकाल सकते हैं। अगर ये मूल हैं तो आपको जानते हो आपको मूलों का योगफल निकाल लेना चाहिए। तो तीन घात के समीकरणों का मूलों का योगफल निकालिए। तो मूलों का योगफल, ध्यान से सुनना, मूलों का योगफल,
मूलों का योगफल, इनका मूलों का योगफल क्या है, फार्मूला देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बटे माइनस का बी, और बी का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है बी का मान माइनस का तीन बटे में ए, ए का मान है वन, ए का मान है वन, यानी तीन बटा एक आ गया, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी इन तीनों मूलों का योगफल, तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी बराबर तीन। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कट जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, अब बचेंगे ए ए ए, यानी तीन ए बराबर तीन, और ए बराबर आ जाएगा तीन बटा तीन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए का मान एक आ गया, यानी ए का मान एक आ गया। अब हम निकालेंगे आपके लिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा बीटा गामा निकालेंगे, तो अल्फा बीटा गामा निकालते हैं यहाँ पर, अल्फा बीटा गामा बराबर इनका गुणनफल, तो अल्फा बीटा गामा का यहाँ पर गुणनफल निकालेंगे, देखिए ध्यान से, हम निकालेंगे अल्फा बीटा गामा, यानी ये d अपॉन ए माइनस का डी अपॉन ए, डी अपॉन ए का मतलब d यहाँ पर क्या है, ये वाला है एक, ये d है आपके लिए, तो d का मान एक है माइनस का एक बटे में a, a का मान हमारे पास आ चुका है, यहाँ से लिखेंगे हालांकि a का मान तो एक ही है, तो एक मान यहाँ पर लिख देते हैं, और ये अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा ने इनकी गुणा, तो a माइनस बी गुणे ए प्लस बी बराबर में माइनस का एक बटा एक। अब देखिए ये सूत्र बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए, ए हो जाएगा बराबर में माइनस का एक बटा ए। अब ए का मान तो वन आ चुका है, आप रख दीजिए इसमें वन, ए बराबर एक रख दीजिए, वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में ए का मान है वन माइनस वन बटे वन, तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, एक माइनस बी स्क्वायर और बराबर में माइनस का एक, यानी ये हो जाएगा वन माइनस बी स्क्वायर बराबर में माइनस का वन, और बी स्क्वायर जब निकालेंगे तो वन या वन इधर आ जाएगा प्लस का वन बराबर बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बराबर आ गया दो, और यानी बी बराबर आ गया रूट के अंदर टू, ये बी का मान आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों मान निकाल के आपको रख दिए, ए का मान वन आया और बी का मान यहाँ पर रूट टू आया, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न खत्म हो गया। अगर हम इनके, क्योंकि ये मूल थे और मूलों का योगफल निकाल लिया माइनस का बी बटे, क्योंकि यहाँ से बी और बटे में ए निकाल लिया है ना, तो यहाँ पर इन सूत्रों को आप त्रिघात समीकरण के लिए इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आप इनको कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आपके लिए बताएंगे यहां पर पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिघात बहुपद का है, और कह रहे हैं कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए जबकि वो समांतर श्रेणी में है, तो शून्य ज्ञात करना है आपके लिए, जीरो ज्ञात करना है, त्रिघात का समीकरण है आपके लिए, त्रिघात का समीकरण दिया गया है यहां पर टू बाई क्यू और माइनस का फिफ्टीन बाई स्क्वायर और प्लस का थर्टी सेवन बाई और माइनस का 30 इक्वल टू जीरो। इसके शून्य का आपको ज्ञात करने हैं जबकि वो समांतर श्रेणी में है, इन एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं समांतर श्रेणी। अगर हम इनके तीन पद माने जो कि समांतर श्रेणी में है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ वो है a माइनस डी ए ए प्लस डी, ये मान लिए मैंने, ये तीन टर्म मान लिए जो कि यहाँ पर समांतर श्रेणी में है, और आपके लिए बताना है कि वो पद होंगे क्या। तो हम इनका सबसे पहले योगफल निकालते हैं, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में क्या होता है माइनस का, यहां पर त्रिघात समीकरण के लिए आप देख लें, माइनस का बी बटे ए, बी बटे ए, तो माइनस बी, बी का मान यहां पर है पंद्रह माइनस का, तो माइनस का 15 बटे में a, a का मान है 2, ये कैंसिल हो जाएगा यानी 15 बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, और हम इनका सम करेंगे, देखिए इनका ये, क्योंकि ये मूल है, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, तो आप देखिए d से d कैंसिल हो गया, a a मिला करके 3a हो गया बराबर में 15 बटे 2, और a बराबर आ जाएगा 15 बटे 2, 3 नीचे चला जाएगा 3 बटे 1 मानेंगे, तो 15 बटा 2 गुणे 1 ऊपर 3 नीचे 3 पचे 15 यानी 5 बटा 2, यानी a का मान आ गया आपके लिए 5 बटा 2 आ गया, a का मान 5 बटा 2। इसी तरीके से हम मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल निकाल लेते हैं यहां पर, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, और ये होता है d अपॉन a माइनस का d अपॉन a। अब d का मान देख लो कितना है, तो माइनस का 30 है, तो माइनस का 30 है और बटे में ए, ए का मान है 2,
तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 30 बटा 2 15 यहाँ पर आ जाएगा आपके लिए। यानी अल्फा बीटा का मान रख दो यहाँ पर a माइनस डी, a प्लस डी इक्वल टू 15 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये a माइनस बी, a प्लस बी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इंटू में a बराबर में 15। तो आप यहाँ पर मान रख देंगे a का मान कितना है, a का मान आ गया आपके लिए 5/2 रख दो, 5/2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और गुणे में a, a का मतलब है 5/2, तो 5×25 और बटे में 2×2=4 माइनस डी स्क्वायर और गुणे में 5/2 ये आ जाएगा और बराबर में 15, बराबर में आपके लिए 15 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 25/4 अब गुणा कराओगे 5/2 की, तो 25×5=125 और बटे में 2×8 आ जाएगा, माइनस का 5/2 d² और बराबर में 15। अब देखिए यहाँ पर इसको टर्म को उधर भेज देंगे, माइनस का 5/2 d² बराबर में 15 और माइनस का 125/8, तो माइनस का 5/2 d² बराबर में 8×5=40 का 0, 4×8=8, 4×12=120 और माइनस 125/8, तो माइनस का 5/2 d² बराबर में माइनस का 5/8 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी ये आ जाएगा आपके लिए 5/2 d² बराबर 5/8, तो डी स्क्वायर निकालेंगे तो 5/8 बटे में 5/2, तो सिंपली डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5/8 गुणे 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2/8, 2×1=2, 2×8 यानी डी स्क्वायर बराबर हो गया 1/4, यानी d बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 1/4, यानी d बराबर आ जाएगा 1/2, यानी d का मान हमारे पास 1/2 आ गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a और d का मान हमारे पास आ चुका है। अब हम टर्म निकाल के आपको दिखा देते हैं, पदों को निकाल के दिखा देते हैं। तो इधर देखिए पदों को निकालते हैं भाई, पदों को निकालते हैं, ध्यान से देखिए, a का मान हमारा है 5/2 और d का मान आया 1/2। अब पहला टर्म था हमारे पास a माइनस डी, ए का मान है 5/2, d का मान है 1/2, 2 तो एलसीएम आ गया, 5 में से 1 चला जाएगा तो 4/2 और 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा a का मान तो वही है, a का मान हमारे पास 5/2 है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, a का मान 5/2 ये तो रहेगा ही रहेगा, एक ये वाला आ गया। a प्लस डी के लिए निकालोगे तो a प्लस डी के लिए a का मान कितना है, a का मान आपके लिए है यहाँ पर 5/2 और d का मान है 1/2, ये जुड़ जाएगा, 2 तो एलसीएम हो गया, 5+1 यानी 6/2, 2 से भाग चला जाएगा, 3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो तीन टर्म आ गई यहाँ पर, पहली आ गई 2, फिर 5/2, फिर 3। ये तीनों टर्म कैसे होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, कैसे होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह सवाल हो गया। अब आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल बचा है और ये चैप्टर भी फिनिश है इसी एक्सरसाइज में, और आपके लिए बताते हैं छठा प्रश्न। तो छठा प्रश्न हमने यहाँ पर लिख दिया है और क्या प्रश्न है हम आपको पढ़ के बता देते हैं। जांच कीजिए कि नीचे दिए गए त्रिघात बहुपद के साथ दी गई शून्यक हैं कि नहीं है आपको चेक करना है। यानी हम आपके लिए जी वाई एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, वह वाई क्यूब माइनस 4y² और प्लस का 5y माइनस का 2 और इसी के सामने कुछ संख्या लिखी है, जो लिखी है 2, 1, 1 ये लिखी हुई है। आपको ये चेक करना है कि क्या इनके शून्यक हैं, क्योंकि तीन ही संख्या दी गई है तो शून्यक भी तो इसके तीन ही आते हैं, तो इनको चेक करना है कि क्या ये शून्यक इस समीकरण के हैं। आप इसको वैल्यू रखोगे, ये जो वैल्यू है 2 इसको इसमें रख दोगे y की जगह पर, यानी y की जगह पर आप 2 रख दो, तो y की जगह पर अगर 2 रख देंगे, अगर 0 आ गया तो है, अगर नहीं आया तो नहीं है, तो y का मान 2 रख दो, 2 का क्यूब माइनस 4 गुणे y के 2 रख दिया प्लस 5 गुणे 2 और माइनस का 2, तो 2 का वर्ग 4 माइनस ये 4 गुणे 2 का वर्ग 4 हो गया और प्लस का 5×9=10 माइनस 2 ये आ गया, तो 4 − 4×16 प्लस 10 माइनस 2। अब इसी तरीके से प्लस वालों को जोड़ लीजिए, 4 और 10 कितना हो गया 14 और माइनस का 16 और 2 कितना हो गया 18, तो 18 में से 14 चला जाएगा, ये बचेगा माइनस का 4। इसका मतलब ये 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि ये शून्यक नहीं है। क्या नहीं है, शून्यक नहीं है, बात समझ गए। ये जो आपके लिए 2 है वो शून्यक नहीं है,
इसी तरीके से हम एक को चेक कर लेते हैं, यानी एक पर चेक करते हैं कि क्या है ये शून्य कि नहीं है। अब एक का मान यहाँ पर रख दो, एक का क्यूब माइनस चार गुणे एक का स्क्वायर प्लस पाँच गुणे एक माइनस दो, तो एक का क्यूब एक माइनस चार और प्लस का पाँच एक कम पाँच माइनस दो, जोड़ वाले कर लो पहले, पाँच और एक छः और चार और दो छः माइनस का छः यानी जीरो आ गया। इसका मतलब बिल्कुल ये जो एक संख्या है वो शून्यक है, शून्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक संख्या आपके लिए शून्यक हो गई, तो इसी तरीके से वन भी इसका शून्यक होगा, क्लियर है। तो यानी ये वाला और ये वाला तो शून्यक हैं, लेकिन ये जो दो है वो शून्यक नहीं है, ठीक है, क्लियर है बात। अब दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एच वाई दिया गया है, एच वाई क्या दिया गया है, टू वाई क्यूब और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का पांच वाई प्लस का टू, और यहां पर वैल्यूज दी गई हैं वन अपॉन टू वन और माइनस टू, ये दी गई हैं। अब इनका मान यहां पर रख के देखना है, अगर जीरो आया तो सही है, शून्य होगा, अगर जीरो नहीं आया तो शून्य नहीं होगा। दो गुणे वाई क्यूब यानी एक बटे दो का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक बटे दो का स्क्वायर माइनस पांच गुणे एक बटा दो प्लस का दो, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर लिखा है दो गुणे एक का क्यूब एक और दो का क्यूब आठ प्लस एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर चार और माइनस पांच बटा दो और यहां पर प्लस दो, तो यहां पर देखो दो से काट दो, दो चक्के आठ, एक बटा चार प्लस एक बटा चार माइनस पांच बटा दो प्लस का दो, एक बटा चार टू टाइम्स हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी चार और ये एक प्लस एक दो, दो बटा चार माइनस पांच बटा दो प्लस का दो, तो यहाँ पर दो कट जाएगा, दो एक कम दो, दो दूनी चार यानी एक बटा दो माइनस पांच बटा दो प्लस का दो, दो एलसीएम यहाँ पर ले लो, अगर दो एलसीएम आ गया है इस तरीके से तो वन माइनस पांच यानी माइनस का चार बटा दो और प्लस का दो, तो ये हो जाएगा आपके लिए दो दूनी चार माइनस का चार प्लस चार बटे में दो यानी जीरो बटे दो, तो हो जाएगा जीरो। इसका मतलब बिल्कुल एक बटे दो इसका शून्यक होगा, आप लिख सकते हो एक बटे दो शून्यक है, ठीक है। अब हम एक पे चेक करके आपको बताते हैं, तो फिर से y बराबर वन रख दो, यानी टू इंटू वन का क्यूब प्लस वन का स्क्वायर और माइनस का पांच गुणे वन प्लस दो, तो ये हो जाएगा दो प्लस एक का स्क्वायर एक माइनस पांच एक कम पांच प्लस दो, तो आप देखिए यहां पर पांच में से दो गया तीन बचा माइनस का प्लस का दो और एक तीन, यानी ये भी जीरो आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि y बराबर जो वन है वो भी एक शून्यक है, शून्यक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे खत्म हो चुके हैं, और जितने भी प्रश्न थे हमने आपको इस वीडियो में करा दिए, खत्म हो गए एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज खत्म होने के साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है, जो कि आपका चैप्टर चल रहा था बहुपद वो खत्म हो चुका है अब, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप हमारी वीडियो देख लेना, जितनी भी देख रहे हो आप वीडियो, आपको लगातार इसी तरीके से सिलेबस मिलता रहेगा, पूरा सिलेबस होगा हाई स्कूल का मैथ का, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को ध्यान से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।